ये तो सवाल है ना जो तुम टाइटल में पढ़ के आए हो कि एक इन्फ्लुएंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये वर्ड जो है ना इन्फ्लुएंसर, ये मेरे को कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। बट आई बीन पॉन्डरिंग ओवर दिस क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज द ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इन्फ्लुएंसर, बिकॉज आज की तारीख में ना कोई भी लिटरली एनीवन इफ दे डू इट राइट कैन गेट अ ह्यूज फॉलोइंग ऑनलाइन अपने जीवन के कुछ पार्ट दिखा के या फिर अपनी ओपिनियंस बता के। एंड इट्स वेरी इजी, डजंट मैटर तुम्हारे 100,000, 1,00,000, 1,000,000, 10,000,000 कितने भी फॉलोअर्स हैं, अगर लोग तुम्हें देख रहे हैं, अगर लोग तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तो तुम्हारे पास उन लोगों के लिए, उन लोगों के ऊपर एक इन्फ्लुएंस है। एंड विच इज वाई डिसलाइक दिस वर्ड इन्फ्लुएंसर, बिकॉज लोग ना इस चीज को सर पे चढ़ा देते हैं एंड फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं। एंड इस वीडियो में हमारा बस एक ही छोटा सा पर्पस है। इस वीडियो के लिए मेरे पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इस वीडियो के लिए मेरे पे कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं है, ये बस मैं, तुम, कैमरा और माइक, और हम इस सवाल को आंसर करने की क्वेश्चन करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे ऑन द फ्लाई कि एक इन्फ्लुएंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। बिकॉज एज एन ऑडियंस ना, जब मैं जिन लोगों का कॉन्टेंट देखता हूँ, जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, जिन लोगों का कॉन्टेंट कंज्यूम करने में मुझे मजा आता है, मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों का और मेरा एक ऐसा बॉन्ड है। मान लो अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होगी, बट अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखोगे तो तुमने अपने जीवन के वो 5, 10, 15, 20 कितने भी मिनट वो तुमने निकाले हैं, वो तुमने कॉन्शियसली निकाले हैं और मुझे दिए हैं। क्यों? क्योंकि तुमने या तो मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं या फिर इस वीडियो का टाइटल हमने तुमको अच्छा लगा एंड तुम मेरे अंदर वो भरोसा डाल रहे हो। यू पुटिंग योर टाइम इन माई कॉन्टेंट, इन व्हाट आई एम सेइंग, इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। और जब ये टाइम का लेन देन होता है ना, जब ये ट्रांजैक्शन टाइम का होता है, बिकॉज यहाँ पैसे नहीं लग रहे हैं, हो सकता है तुमने ऐड देखे, उसे मेरा थोड़ा फायदा हुआ हो, बट यहाँ पे एक्चुअल जो लेन देन हो रहा है वो हो रहा है समय का। एंड समय एक ऐसी इकलौती चीज है इस दुनिया में जो ना मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ना तुम मेरे से वापस ले सकते हो, ना तुम खरीद सकते हो। तो अगर एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर, मैं किसी के ऊपर इतना भरोसा दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपना समय दे रहा हूँ, तुम उस समय के साथ मुझे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो, मुझे एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करो, मेरे को अच्छा फील कराओ, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के मायने, उसके दायरे कहाँ तक जा सकते हैं, वो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक तो बस यही समझा हमने कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती कहाँ से है। डजंट मैटर कि तुम्हारे पे कितने फॉलोअर हैं, तुम्हारे नंबर्स क्या हैं, अगर लोग तुम्हारी बात को सुन रहे हैं तो तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में जिन लोगों के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन लोगों के पास, जिन लोगों के कंधे पे ये बोझ है, जिसको वो खुशी खुशी लेकर चलने को तैयार है, जिन्होंने खुद वो अपने ऊपर लिया है, उनके पास ये समझने की ताकत और क्षमता इतनी खत्म हो जाती है ना एक पॉइंट के बाद जाके कि वो उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, तुमने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स देखे होंगे जिसको तुम खुद जाके कहते हो कि यार ये तो बिक गया, ये तो पैसों के लिए हमारे को कुछ भी बेच रहा है, एंड ऐसा होता भी है। बट अगर एक इन्फ्लुएंसर की तरफ से तुम देखो, अगर तुम एक क्रिएटर की तरफ से देखो, तो उनके पास एक यही तरीका है यार, अपने इस स्किल को, अपने इस आर्ट को, जो वो अपने समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं ये वीडियो बनाऊंगा, मैं इसको बैठ के 10-15 मिनट रिकॉर्ड करूंगा, फिर मैं एडिट करूंगा, फिर मैं इसको डालूंगा, तो मेरा जो वो इन्वेस्टमेंट गया है वो उस 2-4 घंटे का नहीं है, वो उससे पहले की जो मैंने वीडियोज़ बनाई है और मैं उसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा, मैंने अपने पूरा जीवन इसके लिए डेडिकेट कर दिया है। तो मेरे पे हक बनता है कि अगर मैंने तुम्हारे को इतना वैल्यू प्रोवाइड किया कि तुम मेरे को टाइम दे सको, तो मैं उसको थोड़ा मोनेटाइज भी कर सकूं। कहने का मतलब ये कि ट्रांजैक्शन अगर टाइम का हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को कुछ फायदा नहीं होना चाहिए। एंड ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं यार जो तुमको एक्चुअली काम की चीजें बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई घूमने ट्रैवल वाला ब्लॉगर है एंड उसको किसी रिजॉर्ट ने स्पॉन्सर किया कि तुम हमारे यहां आके रुको, वो रुका या रुकी एंड उसको बहुत मजा आया, उसने तुमको रेकमेंड किया, तुम गए, तुमको भी बहुत मजा आया, तो किसी का नुकसान नहीं हुआ, इन्फ्लुएंसर का भी फायदा हुआ, तुम्हारा भी फायदा हुआ, रिजॉर्ट का फायदा हुआ, सबकी गुडविल बढ़ी। तो ऐसे अच्छे क्रिएटर, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एंड क्योंकि हम पैसों की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि पैसों की बात को हम पूरा ढंग से करें। काफी क्रिएटर्स जो होते हैं ना, काफी इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, वो जैसे ही उनकी फॉलोइंग बढ़ने लगती है ना, वो अपनी उस फॉलोइंग को यूज करने लगते हैं मोनेटाइज करने के लिए। वो भरोसा नहीं बनाते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, यहीं पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, यहीं पर थोड़ा कॉज और इफेक्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। बट जैसे ही एक इन्फ्लुएंसर अपनी ऑडियंस को एज अ बैंक देखने लगता है ना, कि इन लोगों ने अपनी अटेंशन मेरे को देने का मन बना लिया है, तो आओ मैं उस अटेंशन को खुलेआम बेच देता हूँ। ऐसा हर कोई नहीं करता है, बट काफी ज्यादा लोग इस ट्रैप में घूमते घूमते रह जाते हैं। एंड फिर उनकी ऑडियंस जब वो भरोसा उन पर लूज कर देती है, जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उनके समय,
कि जो ताकत उनके पास है जिसको वो होल्ड कर सकते हैं उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनका नहीं सोचते, सिर्फ अपना सोचते हैं। वहां पे वो इन्फ्लुएंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समय के बारे में, अपने ऑडियंस के साथ कनेक्शन के बारे में, उस बॉन्ड के बारे में, वो वहां टूट जाती है। एंड तब होता है ऐसा कि तुम इन्फ्लुएंसर को सेल आउट करने लगते हो। इसमें ऑडियंस की भी गलती होती है, क्रिएटर्स की भी गलती होती है। अगर ऑडियंस ये नहीं समझेगी कि एक कॉन्टेंट क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर अपना समय लगा रहा है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, तुमको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उसको सपोर्ट करो। और अगर क्रिएटर फॉर ग्रांटेड उस ऑडियंस को ले रहा है जो अपना समय उसको देने को तैयार है, तो क्रिएटर की गलती है कि वो उनको एज अ बैंक देख रहा है। बट ये तो नहीं पैसे की बात। एक इन्फ्लुएंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पैसों की या फिर ऑडियंस के टाइम की नहीं होती है। इन्फ्लुएंसर की जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, एक कॉन्टेंट क्रिएटर की जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है अपनी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करने की। बिकॉज तुम ये मान सकते हो कि जो क्रिएटर आज से 6 महीने का गेम खेल रहा है, जो कह रहा है कि मैं 6 महीने में इतनी आगे पहुंच जाऊंगा या फिर मैं 1 महीने में उतनी आगे पहुंच जाऊंगा, उस क्रिएटर के लिए, उस इन्फ्लुएंसर के लिए वो फोकस ही नहीं है कि उसको ऑथेंटिक रहना है, उसको अपने आप को अपनी ऑडियंस के सामने पेश करना है, उसको कम्युनिटी बनानी है, उसको एक फॉलोइंग बढ़ानी है जो उसके साथ खड़ी रहे। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो अपनी फॉलोइंग तो बढ़ा लेते हैं, उनके बहुत सारे नंबर्स होते हैं, एंड एंगेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे लोग जो फेक फॉलोअर्स भी ले लेते हैं, जो बहुत सारी फेक चीज़ें ले लेते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक्चुअल ह्यूमन कनेक्शन की। बिकॉज सोशल मीडिया की दुनिया में यार आज से 10 साल पहले लैंडस्केप बहुत अलग था, आज की तारीख में लैंडस्केप बहुत अलग है। कोई भी फॉलोइंग तो बढ़ा सकता है, बट एक ट्रू इन्फ्लुएंसर, जिसको हम एक्चुअल मायनों में कह सकते हैं कि अगर ये आदमी, इसको कंटेंट फॉलो करता हूं, अगर ये कुछ कहेगा तो मैं उस बात को मानूंगा, वो कम्युनिटी बनाने में, वो ट्रस्ट बनाने में, वो फॉसेट बनाने में, जहां पे तुम्हारे पास लोग हैं तो तुम्हारी बात को सुनेंगे, समझेंगे, उस पे अमल करेंगे, जो तुम पे भरोसा करेंगे, उस चीज पे नहीं कि तुम किसकी बुराई कर रहे हो, किसकी अच्छाई कर रहे हो। अगर तुम वो वैल्यू एज अ क्रिएटर अपनी ऑडियंस को नहीं दे रहे हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, चाहे तुम फैशन कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हो अपनी ऑडियंस को, तो फिर तुम अपने साथ भी धोखा कर रहे हो, उस ऑडियंस के साथ भी धोखा कर रहे हो, एंड तुम फिर वो लंबे गेम के लिए बने ही नहीं हो। तुम बस आओगे, थोड़ा सा पॉपुलर होगे, थोड़े पैसे कमाओगे, एंड फिर लोग तुमको भूल जाएंगे। अगर तुम्हारा गोल वो है कि लोग तुमको, तुम थोड़ा सा पैसा कमाओ और फिर लोग तुमको भूल जाए, तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बट आई पर्सनली डोंट बिलीव इन दैट गेम। आई पर्सनली बिलीव इन द फैक्ट कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ और लोग मेरे पे भरोसा कर रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं लंबे समय के लिए टिकूं यहाँ पे। एंड आई नो एट दिस पॉइंट कोई ना कोई आगे कमेंट करेगा कि इस वीडियो पे तो व्यूज ही नहीं है ब्रो, कौन देख रहा है तेरे को। अगर ये वीडियो एक इंसान भी देखेगा ना, एक इंसान, और अगर वो इस चीज से वैल्यू लेके जाएगा, अगर वो समझेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो दैट इज गुड इनफ। दैट इज वॉट दिस होल पॉइंट ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इन्फ्लुएंसर इज अबाउट। ऑफ कोर्स कंटेंट की बात होती है यहाँ पे कि तुम किस तरीके का कंटेंट बना रहे हो, लोग तुम्हारे कंटेंट को कैसे परसीव कर रहे हैं। एंड कंटेंट के मामले मेरा मानना ये है कि तुमको जो बनाना है तुम बनाओ, तुमको जो पुट करना है वो बनाओ, बट अगर तुम अपने आप को इन दी वर्ल्ड रख रहे हो ना, अगर तुम अपने कंटेंट को, अपनी पर्सनालिटी को दुनिया के सामने रख रहे हो, तो हमेशा कोई ना कोई होगा जो तुम्हारे को नापसंद करेगा। एंड तुम रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के लिए कि तुम क्या पुट कर रहे हो, उस चीज़ के लिए नहीं कि सामने वाला तुम्हें कैसे परसीव कर रहे हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, ये मैंने 8-10 मिनट बकवास जो करी है, इसका कंक्लूजन क्या है, मैंने क्यों करी है? बिकॉज दिस क्वेश्चन अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन पॉन्डरिंग ओवर माई हेड की आगे जाते हुए, क्योंकि मैं 6 महीने में गायब नहीं होने वाला हूँ, होपफुली आगे 5 साल बाद, 10 साल बाद जब मैं इस वीडियो को आके देखूंगा वापस कि मैंने क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है। ये वीडियो मेरे लिए है, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, वीडियो हर उस क्रिएटर के लिए जो इस वीडियो को देखेगा। उन क्रिएटर्स के लिए ये सवाल बहुत जरूरी है यार कि तुम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने कंधों पे चल रहे हो, जिसका तुम्हारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जो तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे से कनेक्ट करेगी, जो तुम कंटेंट प्रोवाइड करोगे, जो तुम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, जो तुम एक्सचेंज ऑफ टाइम करोगे। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी वापस नहीं आता, एंड अगर उस चीज़ को तुम वैल्यू नहीं कर रहे हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम समझ नहीं रहे हो, तो फिर मे बी तुम लंबे गेम के लिए नहीं बने हो। एंड जिसको लंबे गेम के लिए रहना है, जहाँ पे, जिसको यहाँ पे पेशेंस से रहना है, जिसको यहाँ पे लंबा अच्छा प्रॉपर काम करना है, उसके लिए आई थिंक दिट बिकम मोर इंपॉर्टेंट। बट अगर तुम्हारे अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर तुम उस सेंस से देख नहीं रहे हो कॉन्टेंट क्रिएशन की प्रोसेस को या फिर अपने फॉलोअर्स को, देन आई थिंक इस वीडियो को देखने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो। बट अगर तुम हल्का सा भी समझते हो जो मैं कहना चाह रहा था, देन मे बी दिस वीडियो पुट समथिंग इन पर्सपेक्टिव फॉर यू। एंड दैट्स इट फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड। इफ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर यू चेक आउट द अदर वीडियोस। वी डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ। वी टॉक अबाउट फिलॉसफी, नया शुरू किया है, वी टॉक अबाउट पॉप कल्चर, वी टॉक अबाउट मूवीज, टीवी शोज, यूट्यूबर्स, पॉडकास्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मेक श्योर यू चेक आउट द अदर वीडियोस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।